हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए व्लॉग लाने जा रही हूँ एंड बहुत ही स्पेशल व्लॉग है मेरे लिए। और मैं कहाँ जा रही हूँ आज, मैं सो आज मेरी ट्रेन है ऋषिकेश से, तो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। और मैं कहाँ जा रही हूँ वहाँ से, आई थिंक जो इंस्टाग्राम वाले मेरे फ्रेंड्स हैं उन लोग को तो पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ करके। तो तब तक आप गेस करिए। सो डू नॉट एनी फर्दर टाइम वेस्ट गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो ट्रैवलिंग करने से पहले घर का खाना कौन नहीं खाना चाहेगा, तो यहाँ पे चने की दाल, टमाटर की चटनी, कर्ड, भिंडी की सब्ज़ी एंड कर्ड में मैंने जागरी मिक्स कर रखा है। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है ऋषिकेश स्टेशन के लिए, पर यहाँ से मैं ऋषिकेश स्टेशन कैसे गई वो मैं अब आपको बताती हूँ और कितना बजट मेरा लगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ओला चूज़ करा था, तो ऑब्वियसली मुझे कैब में जाना था। आई हैव माई ओन व्हीकल, मेरे पास अपनी कार है, बट मुझे ज़्यादा सफिशिएंट, क्योंकि हम दो ही लोग, हम तीन लोग थे, तो मुझे ज़्यादा सफिशिएंट लगा कि क्यों ना मैं ओला से जाऊँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से ओला से बुक करा था एंड इसके प्राइसेस जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, विच वॉज़ 1416। जिनको टैक्सी से जाना पसंद नहीं है वो ऑब्वियसली बस से जा सकते हैं, बस भी जाती है देहरादून टू ऋषिकेश। तो या जैसे कि आप देख सकते हैं गूगल में मैंने टाइप करा देहरादून टू ऋषिकेश बस, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं, या तो आप ISBT में जाके, अगर आप देहरादून में हैं तो आप ISBT में जाके भी बुक कर सकते हैं, सबकी अलग अलग टाइमिंग्स हैं। और या तो मुझे ज़्यादा कम्फर्टेबल गाइस टैक्सी में लगा, तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी कि आप टैक्सी में ही जाएँ आराम से। अगर आपके साथ कोई बुज़ुर्ग है तो मैं चाहूँगी कि या तो अपने व्हीकल में जाए या टैक्सी में। चलिए मेरे साथ, तो ये है मेरी मम्मी, आगे बैठी है मेरी ग्रैनी। सो वी ऑल वो एक्साइटेड जाने के लिए, और आप भी एक्साइटेड होंगे, क्यों है ना आप मेरे साथ एक्साइटेड। सो या हम लोग अपने घर से गाइस जल्दी निकल गए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं छुट्टी का टाइम था, तो ऑब्वियसली हमें जल्दी निकलना था क्योंकि हमें कोई चांस नहीं लेना था और हम लोग सब एक्साइटेड थे। सो ये वाली वीडियो में ना थोड़ा सा आपको एक्साइटेड वर्ड थोड़ा सा अच्छा, किसी को अच्छा भी लग सकता है, किसी को इरिटेटिंग भी लग सकता है। व्हाई? बिकॉज ऑब्वियसली मैं कितने साल, व्हेन आई वाज इन क्लास एट तब मैं तब जगह वहाँ गई थी। बट उसके लिए तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी ना, क्योंकि इसका पार्ट टू पार्ट थ्री बहुत जल्द आने वाला है। तो ये हूँ मैं, थोड़ा सा स्टाइल दिखाना तो बनता है, राइट? सो या चलो आप गाइज, आप इंजॉय करिए ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और भरमार लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ अपने अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करिए। तो किसको नींद नहीं पसंद है, ऑब्वियसली सबको नींद पसंद है, तो मैं सो रही हूँ। तो ये जो ऋषिकेश का जो हाईवे है ना, वो क्या अच्छा बना रखा है, सीरियसली गाइस। और यार इतने सारे हरे भरे पेड़ को देख के तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे भी हमारे यहाँ पेड़ों की कमी बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो अब आ गई हूँ मैं स्टेशन। मैं ना ट्रेन को देख के ना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत सालों के बाद बैठी थी। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि मैं रेलवे स्टेशन हूँ, एंड आप गेस कीजिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अभी भी मैं आपको नहीं बताऊँगी, कुछ तो सरप्राइज़ होना चाहिए ना आपके लिए। गाइस मैंने अभी मास्क लगा रखा है, आई होप आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। तो मैं ऋषिकेश स्टेशन आई हूँ और मेरी जो ट्रेन है वो 5:20 की है, इवनिंग की। तो अभी वी आर वेटिंग ट्रेन का, कि ट्रेन वगैरह साफ़ हो रहा है तो देन ओनली वी विल मूव ऑन टू दैट ट्रेन। और अब मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, अदरवाइज़ तो मैं पहले फ़्लाइट से ट्रैवल वगैरह करती थी, बट मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि मुझे ट्रेन में जाना है करके, क्योंकि काफ़ी साल हो गए मैं ट्रेन में नहीं गई हूँ। एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड बिकॉज अब मेरे को पूरे अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज जो है वो पूरी याद आ रही है, एंड आई एम मिसिंग माई हस्बैंड टू। सो एनी वेज, हस्बैंड के साथ भी बहुत जल्दी ब्लॉग्स आएंगे एंड मेरे साथ तो आपको देखने को मिलेगा ही, वो आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि आने वाले टाइम गाइस आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मेरे को मिलेंगे। और आई एम सो सॉरी
मैं अपने काम पे बहुत ज़्यादा बिजी थी एक्चुअली, वर्क फिर उसके बाद काफ़ी सारे काम होते हैं, सो दैट वाज द रीज़न आई कुडंट अपलोड एनी वीडियोस, और मैंने बनाए भी नहीं था. सो मैं इस दिन का वेट कर रही थी कि चलो मैं थोड़ा सा आप लोगों को सरप्राइज देती हूँ, एंड हियर इज माई सरप्राइज. यहाँ पे मुझे थोड़ा सा रिव्यू देना है स्टेशन का. तो जैसे कि स्टेशन में काफ़ी तरीके के लोग आते हैं, बुज़ुर्ग आते हैं, राइट. कभी उनको चाय पीने का मन कर गया, कभी पानी पीने का मन कर गया. तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. तो ये है टी स्टॉल जहाँ पे मैं अपनी ग्रानी के लिए चाय लेने आई थी. और अगर आपको यहाँ की चाय पीनी है तो ट्राई करिएगा, क्योंकि यहाँ की चाय बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और वो स्टेशन के जस्ट बाहर ही है. तो यहाँ पे मैं जस्ट आपको यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप मुझे देख रहे हैं कोई भी, अगर आप सब अग्री करते हैं तो 2-3 स्टॉल्स तो होनी ही चाहिए ऋषिकेश स्टेशन में. एटलीस्ट मिनरल वाटर का होना चाहिए. आई नो ट्रेन के अंदर मिल जाता है, बट स्टिल मुझे लगता है कि 2-3 स्टॉल्स खाने पीने का, चाय का होना चाहिए. सो आई होप गाइस आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी. सो गाइस ट्रेन चल चुकी है एंड आई एम रियली एक्साइटेड, और थोड़ा सा मुझे डर सा लग रहा है, डोंट नो. यस चलो आपको व्यू दिखाते हैं, आई एम सो एक्साइटेड. चलो आप भी इंजॉय करिए एंड गेस करते रहिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ. वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए. और ये होता है पार्ट 1, बहुत ही जल्द आएगा पार्ट 2.